गरीब महिलाओं की गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए महिलाओं की कोख खरीदी जाने लगी है। लोग उस कोख को किराए पर लेते हैं और अपने बच्चे का गर्भ उस महिला द्वारा धारण करवाते हैं और बच्चा होने के बाद महिला की उपेक्षा करके बच्चा स्वयं लेकर चले जाते हैं। और ऐसी भी घटनाएं बहुत सामने आई जहां बच्चे के रूप में लड़की के होने के कारण उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार दिया जा रहा है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का भी। विदेशी नागरिक और यहां तक कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी अनुमति नहीं होगी। वो कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए, शादीशुदा होने चाहिए आपस में। अविवाहित को अनुमति नहीं होगी, सिंगल पेरेंट की अनुमति नहीं होगी, लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं होगी, होमोसेक्सुअल कपल्स को अनुमति नहीं होगी। कानूनी रूप से मेल एंड फीमेल लीगली वेडेड कपल्स को ही ये अनुमति दी जाएगी। शादी को कम से कम 5 वर्ष का समय बीत जाना चाहिए। 5 साल तक उनको प्रतीक्षा करना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि कल शादी हुई और आज आपने कहा हमको सरोगेट चाहिए। ये 5 साल की आवश्यकता। मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसी कमी दोनों में है कि वो स्वयं का बच्चा पैदा अपने आप नहीं कर सकते। जिनके पास अपना बच्चा है या जिन्होंने बच्चा ना होने के कारण एक बच्चा गोद ले लिया है उनको ये अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई। कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने और बड़ी सेलिब्रिटीज के हैं जिनका अपना बच्चा एक नहीं दो दो हैं और बेटा और बेटी दोनों हैं तो भी उन्होंने सरोगेट चाइल्ड किया। देखिए, कोई भी मुल्क जब अपना कानून बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है। अभी क्या लीगल है क्या नहीं है, अभी तो सब कुछ इनलीगल है। हाँ, बट इसीलिए गवर्नमेंट्स नीड टू लुक फॉरवर्ड व्हाइल मेकिंग लॉज। आप ये कह सकते हैं कि ये लुकिंग फॉरवर्ड है और हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे एथोस के साथ जाता ही नहीं है। What are you going to do about all those childless couples, all those gay couples, all those lesbian couples who were taking, who could have possibly taken or who were taking, all the single men also who could have taken the route of surrogacy? Are you